सर का ब्रीफिंग ये था कि बहुत रियलिस्टिक जोन का मूवी हम बनाने वाले हैं। सर के साथ भी एक दो बार रेकी हुआ था कमाटी पूरा का, ताकि सारे छोटे छोटे डिटेलिंग हम लोग उसके अंदर से ले पाए। फिर उसका डिजाइन ड्राइंग चालू हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट था उस टाइम जोन को मेंटेन करके काम करना। 1950s के टाइम था, हमने ट्राई किया उसको अचीव करने के लिए। सर का ब्रीफिंग इतना क्लियर होता है, उनको समझना या उनको समझाना बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्लियर होता था। दादा इसके ऊपर जोर लगा, as we are gauging the whole set, we have in the restricted area to be able to keep gauging बाहर कैसे करेंगे, तो restricted area control में रहता है। He's a magician, I call him a magician. It's not only a scene and lines and move and walk from point A to point B and say your dialogue and whatever. It's not that. Everything has a purpose. He only eats, breathes, drinks, thinks about his movie. And that's just automatically what happens on a set when you're around him. It's like everything is about that vision. वो सब पुराना जमाने में जो टेक्सचरिंग, वॉल पेंटिंग, तो वो सब एचिंग उचिंग वो सब करके फिर ड्रेसिंग किया था अलग अलग लेवल पे। और उसका अगर पर्दा भी देखेंगे थोड़ा प्रिंटेड बट छपरी है, बट उसके अंदर एक सैचुरेट कलर है। First time I walked into the lanes of Kamatipura was literally on our set. And I was just wow, like the attention to detail, even like a bartan shop had the way the bartans were, basic details, the cinema, everything, it was magical, yeah. Basically, ye teen theater hamara main tha. Ek hai Roshan theater tha, ek hai Alfred tha, Gulshan theater tha. हम लोग वो फिल्म के हिसाब से दिखा देते कि ये टाइम जोन उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, तो एक बहुत कमाल की टाइम लैप्स होता था वो पोस्टर चेंज होने से। बहुत अच्छा ही लगता है सर के साथ काम करने के लिए। और सबसे मजेदार चीज़ है कि हम आर्टिस्ट हैं, हमारी पूरी टीम आर्टिस्ट है, सर क्रू आर्टिस्ट है, तो जैसे ही आर्टिस्ट में जो पहले भी बोला वो वेवलेंथ बहुत अच्छा मैच होता है। जैसे जिस जगह में आपका वेवलेंथ मैच हो जाता है आपका काम हमेशा अच्छा होता है।